गाइस रिश्तों को लेके बहुत लोगों के सुझाव मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं बता दूं, लेट मी क्लियर, हमारा भी रिश्ता ऊपर नीचे होता है। जो आपके लिए पैसा कमा रहा है और वो रिश्तेदारों में बांट रहा है, आपका साथी, तो वो पापी है, क्योंकि जहाँ उसको पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ नहीं कर रहा, वहाँ कर रहे जिनकी फैमिली ऑलरेडी बन गई है, जिनके बच्चे बन गए, और जो उनसे धन ले रहे हैं और जो उसके खाना पूसी कर रहे हैं, वो महापापी। तो आप तो पुण्य कमा रहे हो, आप अपने घर में सुख में बैठे हो, आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, आपकी केयरिंग हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आप खुश रही है अपने परिवार, आपका परिवार ही असल में यही है। परिवार का मतलब होता है जो इंसान की खुशी में खुश रहे, दुख में साथ दे। रिश्तेदार आके ताना मार के जा रहे हैं, वो उससे भी बढ़ के पापी, क्योंकि उनका कर्म भगवान नोट कर रहा है। उन वो जैसा कर्म करेंगे भगवान वैसा ही उनको कर्म देंगे। तो सदैव याद रखिए, आपके साथ आपकी फैमिली, आपके लोग हैं जो आपकी केयर रिस्पेक्ट करते, जो आपको खुशी दे रहे हैं, उनके साथ खुश रहिए। जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, रिश्तेदार ताना मार के जाते हैं, वो महापापी, और आपका साथी उससे भी बढ़ के पापी, कि वो अपना सुखमय जीवन को ध्यान से देख नहीं रहा, उनके कर्म उनके आगे। आप अपना खुश रहें, अपने खाए पिए खुश रहें, अपनी जिंदगी